तो अभी आएगी रोश और मैं आज उसके साथ करने वाली हूँ प्रैंक। ये फाइनली मैं प्रैंक करने वाली हूँ उसके साथ, और ये प्रैंक है हॉरर प्रैंक। तो हम ना कॉलेज में थे, उसको हॉरर मूवीज देखना पसंद था, आई थिंक हर लड़की को पसंद होता है, लेकिन डर सबको लगता है। तो मुझे डर नहीं लगता था, उसको बहुत डर लगता था, और पर उसे देखनी भी होती थी। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ उसके साथ हॉरर प्रैंक करने का। इस घर में कुछ हॉरर चीजें, हॉरर नहीं यार, कुछ अगर ना थोड़ा सा है, ठीक है। मैंने ना एक वीडियो में भी डाला था, मैं कम्प्लीटली उसको हॉरर नहीं बोलूंगी, बट या मैं उसके साथ आज हॉरर प्रैंक करने वाली हूँ। शायद उसके बाद शायद दोबारा इस घर पे ना आए। वैसे इतना कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं होता, बट हाँ कुछ अनयूजुअल है यहाँ पे। मे बी उसके बाद रोशनी आएगी नहीं आएगी। एक तो यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत डेंजरस है यार, बहुत डेंजरस सीढ़ियाँ है। वो आते ही इतने हालत खराब हो जाती है ना उसकी, ऐसी आती है, आएगी ना रिकॉर्ड करूंगी उसकी आवाज कैसी आती है जब वो सीढ़ियों से आती है, और वो हमेशा सीढ़ियों के बोलती है यहाँ की सीढ़ियाँ। वैसे यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत डेंजरस है, और अगर एकदम अंधेरा रहे तो हॉरर मूवीज वाली ये फीलिंग देती है। और या तो मैं रोशनी के साथ करने वाली हूँ प्रैंक। होप सो जैसे मैंने सोचा वैसे ही हो उसके एक्सप्रेशन। आजकल ना लोग एक्सप्रेशन अच्छे नहीं देते, तो होप सो थोड़ा डर लगे उसको। तो मैं ना उसको इस रूम में अकेला छोड़ के छत पे जाऊंगी, और मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि छत पे मुझे जाना है, और उसको इस रूम में अकेला छोड़ दूंगी, और मैं उसके बाद ही ऑडियो प्ले करूंगी। बहुत घटिया है, बहुत ज्यादा। तो मैं ये ऑडियो प्ले कर दूंगी। इवन मैंने मामी पे ट्राई किया था, मामी को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मुझे पता है रोशनी इतनी स्ट्रांग नहीं है। सो मैं कैमरा को ना कहीं पे, डेफिनेटली कैमरे को कहीं पे छोड़ के जाऊंगी ताकि उसका रिएक्शन रिकॉर्ड हो जाए। लेट्स सी कि वो क्या करती है। कैमरे को मैं सेट कर दूंगी और मैं छत पे जाऊंगी और ये ऑडियो प्ले करके निकल लूंगी ताकि उसको पता ना चले कि मैंने क्या है। सब कुछ ऐसे नॉर्मल रिएक्ट करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मुझे आप लोगों के साथ कुछ प्रोडक्ट्स शेयर करने हैं, और ये प्रोडक्ट्स हैं डामाको के। तो डामाको का, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि डामाको से अगर आप कुछ भी बाय करते हो तो आप हेल्प करोगे एक चाइल्ड एजुकेशन में। उनके पार्टनर है भूमि के साथ, है प्लस टू हेल्प 10,000 प्लस स्टूडेंट अक्रॉस दिस ईयर। फर्स्ट प्रोडक्ट है गाइस वो है दिस वन। ये है 10% विटामिन सी सीरम। और विटामिन सी क्या करता है ना, हमारी स्किन अगर बहुत डल हो जाती है समटाइम, बहुत थकी थकी सी दिखती है, और समटाइम वो शाइन सी चली जाती है फेस पे, तो विटामिन सी हेल्प करेगा आपकी स्किन में वो शाइन ऐड करने में, वो रेडियंट ग्लो लाने में, इवन वो जो डलनेस होती है उसको हटाने में। प्लस इसमें है नायासिनमाइन और विटामिन सी, तो नायासिनमाइन और विटामिन सी आपके फेस पे वो ग्लो देने में काफी हेल्प करेगा। अगर आप फेस कर रहे हैं कि फेस पे वो ग्लो गायब हो चुका है, तो 20% विटामिन सी सेरम। 20% विटामिन सी सेरम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है अगर आपको मेलनिन सिंथेसिस है स्किन पे, उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा, और प्लस आपकी स्किन पे स्किन इन्फ्लेमेशन जैसे कि आप मेरे पे देख सकते हो रखी है, उसको भी दूर करने में हेल्प करेगा। प्लस आपको ये ग्लो तो देगा ही देगा। ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो निभा22। एंड प्लस गाइज ये जितने भी डामाको के प्रोडक्ट्स हैं आप डामाको की साइट के अलावा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका सबसे बाय कर सकते हो, पर्पल सबसे बाय कर सकते हो। विटामिन सी जो मेन इफेक्ट करता है वो हमारी स्किन को इवन करने में, हमारे स्किन टेक्सचर कभी कभी अनइवन हो जाता है, उसको इवन करने में, इवन टोन डाउन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। प्लस रेडियंट ग्लो को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। 3-5 रोज अपने फेस पे अप्लाई करें, आप डे नाइट कैसे भी अप्लाई कर सकते हो। प्लस गाइस सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। यह है डामाको की सनस्क्रीन जो की बोर्ड स्पेक्ट्रम के साथ साथ ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देगी, SPF 15 और PA++++ है, जो की आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करने वाली है सन से। और मुझे बेस्ट क्या लगा इस सनस्क्रीन को, मुझे ये लगा जब भी हम सनस्क्रीन लगाते हैं ना वो ग्रेश सा, वो व्हाइटनेस से स्किन पे आ जाती है, पर इस सनस्क्रीन में ऐसा कुछ नहीं होता। आई लव दिस सनस्क्रीन, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, और मैं इसको अपने डेली यूज में यूज करती हूँ। जब भी मैं बाहर जाती हूँ मैं सनस्क्रीन जरूर लगाती हूँ, और अब तक मुझे कितनी इफेक्टिव सनस्क्रीन कोई मिली नहीं थी, बट दिस वन इज वर्थ इट। फ्रेग्रेंस फ्री है, विटामिन ई डाला हुआ है, हाइलुरोनिक एसिड मिल जाएगा इसमें आपको, और इसमें ना यार वो लाइक सनस्क्रीन लगाने के बाद ना कभी कभी वो चिप 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 होती है ना, वैसा भी कुछ नहीं होता। सो आई लव इट। इन सभी प्रोडक्ट्स को यूज करने से पहले पैच टेस्ट करना मत भूलना, एंड सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हियर गाइस लेट्स बैक टू आवर वीडियो। व्हाट इज कमिंग, मजा आता जैसे आते घड़ी सीढ़ियां। कौन सी रील देखी थी? ओके, उसमें वो बोलते है कि अगर तुम मतलब लड़कियां अपना फेवरेट ब्रा बहुत कम धोती है, इज इट ट्रू जहाँ पे बैठी है, देयर इज समथिंग इन दिस सोफा। मैंने और तनु ने ऐसे एक दिन हमें शौक चढ़ा, इस घर में बहुत अजीब सी आवाज आ रही थी। अजीब आवाज, मतलब तुझे पता ही है यहाँ का गेट कितनी वियर्ड आवाज करता है, और वो इस साइड बहुत ज्यादा लाइट फ्लिक करने लगी, बहुत ज्यादा। ये तो फेक लग रहा है। नो इट्स नॉट,
वी ऑल थिंक दैट देन वी जस्ट लाइक हमने एक ऐप डाउनलोड करी एंड ऑनेस्टली यू नॉट गोना बिलीव इट हम दोनों की उस दिन फट गई थी क्यों लाइक दिस इज द ऐप ठीक है इसको मेरी साइड करियो क्या बकवास आई एम सीरियस ओके ओके मैं भी नहीं मानती ठीक है पर मतलब वैसे वैसे तो घोस्ट एक्सपीरियंस हुआ है बट ये क्या बकवास है मेरी साइड का क्लिक द वो क्लिक कर उस पे जैसे वो हमारे उसमें आता है क्लिक कर देर ग्रीन लाइट आ रही होगी क्योंकि ये डिटेक्ट करते हैं एनर्जी लाइक बॉडी अब तो वहां पे इधर आ मेरे साथ इधर लाइट चला लाइट चली हुई है अब इधर देखियो ये देख लिटली मैं और देख वो फिर से आया देख डू यू सी समथिंग फ्लिक कर रहा हूँ नहीं आई डोंट देख बट ये सिर्फ ह्यूमन को डिटेक्ट करता है भाई ये हमेशा इसी सोफे के साइड में ही आता है तो तू इस सोफे को बदलती क्यों नहीं उधर रख के दिखा उधर रख के दिखा देती हूँ मे बी सोफा ना हो प्रॉब्लम बट दिस इज लाइक जब भी तो मैं उस साइड नहीं बैठती यू डोंट सी दिस कि मैं इस साइड कभी नहीं बैठती पता नहीं यार रोटेशन के देख दोबारा से एक दिखाती हूँ इधर कहीं नहीं है देख He's gone. अबे no, bro. अभी तेरे सामने हुआ था ना? He's gone. कौन है भैया? यार कहाँ गया भाई? वो Snapchat का तुझे पता है? एक नहीं वो दो एप्लीकेशन से हमने ट्राई किया था और दोनों एप्लीकेशन से इसी साइड आ रहा था उस दिन हुआ होगा उस दिन तेरे बट तूने देखा इस वाले पे भी कर रहा था उस दिन तेरे रूम में गोस्ट था अभी तू बैठी है इसमें डबल डबल बीच बीच में आएगा डबल डबल आएगा ये रहा तुझे डर नहीं लगता तू ये सब शूट कर रही है अकेले फिर तुझे लगता मुझे डर लगता मैं अकेले यहाँ रहती हूँ मैं तो तेरी फटेगी मेरी तो फटती है ना शादी कैसे करनी चाहिए हाँ डिपेंड करता है कि तुझे कैसे शादी करनी है देख शादी दो तरीके से होती है एक होती है ऑफिस फालतू का खर्चा बट लड़का लड़की को अपने शौक होते हैं कि हमें धूमधाम से शादी करनी है अगर तेरे वैसे शौक है तो आज तेरा पूछा था तू आज मेरी शादी का बड़ी टेंशन ले रही है शादी मेरे हिसाब से मतलब एक तेरा हाँ मैं वही बता रही हूँ थॉट ऑफ प्रोसेस तो दूसरा एक होता है कि आप अपनी अरे वो कर लो क्या बोलते हैं क्या कोर्ट मैरिज कर लो और जो आप शादी में खर्चा करने वाले हो उससे कहीं या तो इन्वेस्ट करो या तो घूमने चले जाओ अच्छी जगह पता 80% लड़के यही करते हैं जब उनकी शादी आती है ना फिर कहते हैं नहीं पापा नहीं हाँ वो एक नहीं बात जब जब सब अपने ऊपर आती है ना सब हाँ अभी भी मैं भी यही सोचती हूँ बट जब मेरे को क्या पता मेरे को भी अपनी धूमधाम से शादी करनी है एग्जैक्टली यू नेवर नो बट अगर मेरे पर्सपेक्टिव से गर्ल्स आर डिप्लोमेटिक कि मैं तो नहीं खर्च करना चाहती थी मैं भी नहीं करना चाहती खर्च तो बट कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें वो पैसे देते हो और तुम सेटल हो उस पैसों से 80% लड़कियां मुझे पता है यही सोचती हैं और जैसी शादी आती है ना वैसे कहते हैं फ्लिप 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 1 लाख का लहंगा लूंगी नहीं शादी होनी चाहिए तू ऐसे वीडियो बना रही हो लाइट चली जाए सो 5 मिनट के लिए मैं रो ही रहा हूँ मैं इमिटेट कर रही हूँ जब ये ड्रेसेस करती है सॉरी गाइस छोटा पड़ गया ऐसे आएगी टॉप है ना तू सीरियसली ऐसी करती है आती है ये पीछे घूमी फिर ऐसे करेगी ऊपर कुछ है उसे लेके हमारी नहीं तो तू अगर ये गेट ऐसे खुलेगा रात को खुलेगा तो मेरी फटेगी सो गाइस मेरा प्लान फ्लॉप हो गया क्योंकि नितिन आ गया अब ये डरेगी नहीं इसको अभी आना था तो अब ये वीडियो फ्लॉप प्रैंक वीडियो हो गई तो वो एप्लीकेशन भी आज ही नहीं चल रही थी ऊपर से नितिन को आज ही आना था वैसे आता नहीं है सॉरी वर्स्ट प्रैंक एवर वो डरेगी नहीं वो बोल भी रही थी क्योंकि एक तो ये दिन है ऊपर से नितिन इज देयर अगर नितिन नहीं होता इसकी गई थी आई एम श्योर इसकी गई थी पर ठीक है सॉरी गाइस प्रैंक फेल हो गया बेसिकली आज की वीडियो ये थी मैं तेरे ऊपर हॉरर प्रैंक करने वाली थी बट देयर इज अ इशू कि नितिन आ गया
अगर नितिन नहीं आता तो गई थी. क्यों, क्या होता? क्योंकि अभी सुनाती हूँ. जस्ट ओपन दिस जो मैंने तुझे व्हाट्सएप किया है और सोच यहाँ पे लाइट जाती है. हाँ है? और मैं छत पे हूँ. तो तू लाइट कैसे बंद करती? अभी रुक, लिसन दिस. अरे क्या हुआ, आगे बढ़ा. सोच अंधेरा है चले से. अगर तू फोन में चला दी तो मैं नहीं डरती, क्योंकि मुझे पता चलता है. पता ही नहीं चलता, लैपटॉप में चला के जाती ना. हाँ, स्पीकर वगैरह में होता ना तो मैं डर लगता. एक चीज सुनियो इसकी, इसकी तो सुन. अभी 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 वेट अ सेकंड. ये देख छी भाई. सो अगर नितिन नहीं आता तो यू नो यहाँ की लाइट चली जाती है. मैं मुझे लगता मैं डरती हूँ. अरे चल रहे, तू डर जाती. तू अभी बोल रही थी कि वो जैसे गेट रात में अगर करेगा आवाज तो डर जाएगी. हाँ, वो दरवाजे से डरती हूँ. ये अचानक से चिल्लाने की आवाज आ रही है. तो पता चल जाता फोन में. आई डोंट नो, चिल्लाने की आवाज आ रही है अंधेरे में. अंधेरे में. थैंक्स नितिन. नितिन इजा आज जो नितिन देगी, बचा दिया आपने इसको. वरना मैंने सोचा था मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगी. दरवाजा बंद कर दे. एसी का बिल तुम्हारे पापा दे. मेरी माँ का डायलॉग वही देगा बिल. वैसे तो आयो. तो बेसिकली मेरा एकदम वर्स्ट फेल प्रैंक बिकॉज ऑफ दिस गाय बच चुके हो. मेरा प्लान वेस्ट हो गया. और कमाल की बात है वो एप्लीकेशन ना जहाँ तू बैठती है ना वो हमेशा दिखाता है. आज ही दिखा दे. आज दिखाया नहीं. मतलब यूनिवर्स मेरे साथ हमेशा भगवान रहता है. बहुत ही घटिया डायलॉग था. ऑनेस्टली बहुत घटिया डायलॉग था. सो या गाइस, मेरा प्लान थोड़ा फ्लॉप हो गया. एंड या मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय. आई एम सॉरी, मेरे को लगा था प्रैंक करूंगी पर मेरे साथ प्रैंक हो गया एक्चुअली.